दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि मलिष्का ने अपनी चाल चल दी है ऋषि के खिलाफ। क्योंकि ऋषि को जो कि धिंगा मुस्ती चोट लगवाई है और ऋषि के खिलाफ ऐसी चीज की है ताकि ऋषि को ऐसा लगे कि हाँ, इसमें मलिष्का का हाथ नहीं है। क्योंकि मलिष्का ने अपने आप को और ऋषि को दोनों को बंधवा दिया है, और मलिष्का ने ये सब कुछ किया है ताकि ऋषि किसी भी तरीका से लक्ष्मी की शादी तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि लक्ष्मी की शादी को रोकने के लिए ही जो कि ऋषि गया था, लेकिन बीच में ही ऋषि के साथ में ये पूरा हादसा हो गया। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मलिष्का के गुंडों ने ऋषि के साथ में इस घटना को अंजाम दिया, और इस घटना में पूरी तरीका से शामिल जो थी वो थी मलिष्का। हालांकि दोस्तों, आप लोग जान पाएंगे कि किस तरीका से ना ही सालू की शादी हो पाई बलविंदर से, और लक्ष्मी की तो कभी होगी भी नहीं। सबसे पहले तो दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आने वाली कहानी का जो एपिसोड है आप लोगों के लिए वो वाकई में घना दिलचस्प है। जब आप लोग देख पाएंगे कि ऋषि को होश जब आता है, जब ऋषि बोलते हैं कि हम यहाँ पे कैसे बंधे हुए, जिसके बाद में मलिष्का झूठी बात एक्सप्लेन करती है, बोलती हुई नजर आती है कि जो कि कुछ गुंडों ने मैं घेर ली थी और तुम मेरी हेल्प कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें भी चोट मार दी। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मलिष्का ने अपने आप को खुद बंधवा घेरा है उनसे, उन गुंडों से, ताकि ऋषि को डाउट ही किसी भी तरीका का पैदा ना हो सके। साथ ही दोस्तों, अब लक्ष्मी आ चुकी है मंडप के अंदर, और लक्ष्मी बोलती हुई नजर आने वाली है, जिसके बाद में बलविंदर सभी के सामने लक्ष्मी की चाची की पोल खोलता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार लक्ष्मी की चाची ने क्या क्या और कैसे कैसे किया है। क्योंकि लक्ष्मी की चाची ने रुपये लिए थे बलविंदर से, बलविंदर उस चीज़ को भी सभी लोगों के सामने एक्सपोज करने जा रहा है। क्योंकि बलविंदर कभी भी चूकता नहीं है, जो उसे करना है उसे वो करके ही दम लेता है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।